प्यारे विद्यार्थियों, आपका ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। मैं देवेंद्र सिंह कुंतल, लेक्चरर इन मैथमेटिक्स, GSSS होडल पलवल से। एक्सरसाइज 7.11 डेफिनेट इंटीग्रल्स की जो एक्सरसाइज है, उसके क्वेश्चन नंबर 10 तक पहले मैंने आपको करा दिए हैं, क्वेश्चन नंबर 11 तक, सॉरी। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 12 से इसमें स्टार्ट कराऊंगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, इसको हम आई मान लेते हैं सॉल्व करने के लिए, 0 to π एक्स डी एक्स होल अपॉन 1 + sin x। देखिए, जैसा कि मैंने बताया था, एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हमारी P3 जिसे नाम दिया गया था, उस P3 प्रॉपर्टी को हम इसमें लगाते हैं, 0 to π एक्स की जगह पे ए माइनस एक्स रखते हैं तो पाई माइनस एक्स आ जाएगा ऊपर, और नीचे 1 + sin π - x हो जाएगा। dx इज इक्वल टू 0 to π पाई अपॉन 1 + sin x, ये अलग हो गया, -0 to π एक्स अपॉन 1 + sin x dx अलग होगा, क्यों? sin π - θ साइन थीटा होता है, इसलिए साइन एक्स बन जाएगा। पाई वाले पोर्शन को हमने अलग कर दिया, एक्स वाले पोर्शन को हमने अलग कर दिया। ये भी आपका आई है, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, वी हैव व्हाट वी हैव, आई एंड आई 2i इज इक्वल टू 0 to π पाई अपॉन 1 + sin x dx, और ये एक्स डी एक्स अपॉन 1 + sin x इसका, और एक्स डी एक्स अपॉन 1 + sin x इसका, ये दोनों आपस में कट जाएंगे, इज इक्वल टू हो गया पाई बाहर, 0 to π 1 अपॉन 1 + sin x dx। ऊपर नीचे इसमें 1 - sin x का मल्टीप्लाई करा दिया और 2 को हम इधर ले गए, तो आई इज इक्वल टू आ गया पाई अपॉन 2, 0 to π 1 - sin x अपॉन 1 + sin x, इसमें पहले से था, और 1 - sin x का हमने मल्टीप्लाई कराया है dx, इज इक्वल टू पाई अपॉन 2, 0 to π 1 - sin x होल अपॉन cos² x dx इज इक्वल टू पाई अपॉन 2, 0 to π 1 अपॉन cos² x आपका sec² x हो जाएगा, -sin x अपॉन cos x tan x हो जाएगा, और 1 अपॉन cos x sec x हो जाएगा, तो sec x tan x हो गया ये dx। आई इज इक्वल टू पाई बाई 2, इंटीग्रेशन देखिए sec² x का हो गया tan x, -sec x tan x का इंटीग्रेशन हो गया sec x, एंड लिमिट्स आर फ्रॉम 0 to π। जैसे ही आप पाई लिमिट रखेंगे इसमें तो हो जाएगा tan π -sec π, 0 रखेंगे तो -tan 0 और -minus +sec 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू पाई अपॉन 2, tan π 0 होता है, tan 0 भी 0 होता है, sec π - 1 होता है, तो -of -1 + sec 0 की वैल्यू 1 होती है, पाई बाई 2 इंटू ये -minus +1 हो गया, और 1 और 1 जोड़ेंगे तो 2 आ जाएगा, तो आई इज इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल हो गया पाई। आई किसको माना था हमने, इसको, तो देयर फोर इंटीग्रेशन 0 to π एक्स डी एक्स होल अपॉन 1 + sin x इज इक्वल टू पाई, यही आपका आंसर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में है
आई इज इक्वल टू माइनस पाई बाय टू टू पाई बाय टू साइन रेज पावर सेवन एक्स डी एक्स। ये क्वेश्चन आपका माइनस ए टू ए यानी पी सिक्स जो प्रॉपर्टी है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहां पर देखिए एफ एक्स इज इक्वल टू साइन रेज पावर सेवन एक्स है, एफ माइनस एक्स रखेंगे तो साइन रेज पावर सेवन और माइनस एक्स आ जाएगा, ये माइनस साइन रेज पावर एक्स आ जाएगा, सेवन एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स। तो आप देख सकते हैं एफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स आया है, देयर फोर माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू साइन रेज पावर सेवन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू जीरो पी सिक्स जो प्रॉपर्टी है उसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, आई इज इक्वल टू जीरो टू टू पाई कॉस रेज पावर फाइव एक्स डी एक्स। वैसे तो कॉस की पावर फाइव एक्स है, ये और पावर है कॉस की, तो ब्रेक होके हो जाएगा क्वेश्चन, लेकिन उन्होंने कहा प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल यूज करके आपको करना है। तो इसको हम यहां पर देखिए एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस रेज पावर फाइव एक्स, एफ ए माइनस एक्स एंड टू पाई माइनस एक्स निकाले यहां पर तो कॉस रेज पावर फाइव टू पाई माइनस एक्स आ जाएगा, जो कि कॉस रेज पावर फाइव एक्स हो जाएगा, क्यों कॉस टू पाई माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो ये इज इक्वल टू एफ एक्स आ गया। यहां पर अब पी फाइव जो प्रॉपर्टी है वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आई इज इक्वल टू जीरो टू टू पाई, तो इसका टू बाहर निकल जाएगा, जीरो टू पाई लिमिट रह जाएगी, कॉस रेज पावर फाइव एक्स डी एक्स। तो क्या थी प्रॉपर्टी, जीरो टू टू ए एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स, अगर एफ टू ए माइनस एक्स इक्वल एफ एक्स के इक्वल है। तो अब इसको उसी मेथड से करेंगे जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, जीरो टू पाई कॉस की पावर फोर एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स लिख सकते हैं इसको हम, टू जीरो टू पाई इसको कॉस की पावर फोर एक्स को कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, जिससे कि हम 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर कह सकते हैं, इंटू कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू टू। अब इसमें क्या करें, साइन एक्स को टी पुट करा लें, क्योंकि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हमें कॉस एक्स मिल चुका है, तो पुट साइन एक्स इक्वल टू टी कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 1 डी टी आ गया। तो I इज इक्वल टू हो जाएगा 2, जब आप लोअर लिमिट 0 रखेंगे तो T की वैल्यू 0 आएगी, अपर लिमिट पाई रखेंगे तो साइन पाई 0 होता है, 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर एंड डी टी। यहां पर लोअर लिमिट भी 0 है और अपर लिमिट भी 0 है, तो इंटीग्रेशन के बाद चाहे जो भी हो यट क्या आएगा आपका 0, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 आपका बहुत इजी क्वेश्चन है, I इज इक्वल टू जीरो टू पाई बाय टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स होल अपॉन वन प्लस साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स। इसमें पी थ्री प्रॉपर्टी लगा देते हैं, तो जीरो टू पाई बाय टू साइन एक्स ये पे ए माइनस एक्स रख देंगे पाई बाय टू माइनस एक्स, माइनस कॉस में भी पाई बाय टू माइनस एक्स अपॉन वन प्लस साइन पाई बाय टू माइनस एक्स कॉस पाई बाय टू माइनस एक्स, एंड जहां जहां एक्स है वहां वहां हमने ए माइनस एक्स रख दिया। अब जीरो टू पाई बाय टू ये कॉस एक्स हो गया, ये माइनस साइन एक्स हो गया, वन प्लस साइन पाई बाय टू माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, इसलिए कॉस एक्स, और ये साइन एक्स डी एक्स।
इसको इक्वेशन नंबर वन मान लिया, ये भी आई है आपका, इसको इक्वेशन नंबर टू मान लिया। एडिंग इक्वेशन वन एंड टू वी हैव व्हाट वी हैव आई और आई आपका टू आई हो गया, इज इक्वल टू जीरो टू पाई बाय टू आपका लिमिट है। वन प्लस कॉस एक्स साइन एक्स इसमें भी है, वन प्लस साइन एक्स कॉस एक्स इसमें भी है, तो वन प्लस साइन एक्स कॉस एक्स आपका एलसीएम हो गया। इधर है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और इधर है आपका कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डीएक्स। साइन एक्स से साइन एक्स कर दिया, कॉस एक्स से कॉस एक्स कर दिया, तो ऊपर आया जीरो, इसलिए जीरो टू पाई बाय टू जीरो डीएक्स। और जीरो का जो डेफिनेट इंटीग्रेशन है वो आपका जीरो ही आएगा, या वैसे तो कांस्टेंट आता है पर के में जब लिमिट रखेंगे आप जीरो टू पाई बाय टू, तो पाई बाय टू कहाँ रखेंगे, ऊपर आएगा के माइनस नीचे भी के, और के में से के घटाया तो जीरो, यही आपका टू आई इज जीरो, तो आई इज इक्वल टू आपका जीरो, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, आई इज इक्वल टू क्वेश्चन नंबर 16, आई इज इक्वल टू जीरो टू पाई लॉग वन प्लस कॉस एक्स डीएक्स। इसमें आप देखिए वही जो P3 प्रॉपर्टी है, ये इसमें भी हमने लगाई थी क्वेश्चन नंबर 15 में भी, P3 प्रॉपर्टी इस्तेमाल करते हैं यहां पर, तो हो जाएगा जीरो टू पाई लॉग वन प्लस कॉस पाई माइनस एक्स डीएक्स, और कॉस पाई माइनस थीटा आप जानते हैं कौन से क्वाड्रेंट में होता है, लॉग ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट हो जाएगा, कॉस नेगेटिव हो जाएगा, तो वन माइनस कॉस एक्स डीएक्स। ये भी आई, ये भी आई, इक्वेशन नंबर वन इसको मान लिया, इक्वेशन नंबर टू इसको मान लिया। एडिंग इक्वेशन वन एंड टू वी हैव टू आई इज इक्वल टू जीरो टू पाई आपकी लिमिट है, ये आ गया लॉग वन प्लस एक्स, वन प्लस कॉस एक्स सॉरी, प्लस लॉग वन माइनस कॉस एक्स एंड डी एक्स इज इक्वल जीरो टू पाई लॉग ए प्लस लॉग बी, लॉग ए इंटू बी हो जाएगा, तो लॉग वन प्लस कॉस एक्स इंटू वन माइनस कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल जीरो टू पाई लॉग वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स आ जाएगा, और वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, तो लॉग साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स हो जाएगा। ये जो पावर है बाहर आ जाएगी, तो आ गया टू जीरो टू पाई लॉग साइन एक्स डी एक्स, इधर है आपका टू आई, टू से टू कैंसिल हो जाएगा, तो आई इज इक्वल टू जीरो टू पाई लॉग साइन एक्स डी एक्स। अब इसको देखिए हम टू इंटू वो लिख सकते हैं पाई बाय टू लिमिट को, अपर लिमिट को, तो जीरो टू टू इंटू पाई बाय टू लॉग साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला बन गया जीरो टू टू ए एफ एक्स डी एक्स, और जीरो टू टू एफ एक्स डी एक्स हो जाता है टू जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स। कौन सी प्रॉपर्टी लगाई हमने, P5।
क्योंकि साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है, तो एफ टू ए माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स आया। और ये जो है जीरो टू पाई बाई टू लॉग साइन एक्स डी एक्स, इसका हमने रिजल्ट आपको बताया टू इंटू माइनस पाई बाई टू लॉग टू, टू से टू कैंसिल हो जाएगा तो माइनस पाई लॉग टू, यही आपका आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 में कहते हैं ये I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू a रूट एक्स अपॉन रूट एक्स प्लस रूट ए माइनस एक्स डी एक्स। अब जैसा कि आप जानते हैं मैंने बताया था प्रॉपर्टी नंबर P3, P3 में क्या था कि हम x की जगह पर a माइनस एक्स रख देते हैं, तो ये आपका a माइनस एक्स हो जाएगा, ये भी a माइनस एक्स हो जाएगा, और ये a माइनस एक्स होगा, a से कट जाएगा तो x हो जाएगा। तो इसमें P3 जो प्रॉपर्टी है उसको हम लगा सकते हैं, और बाद में फिर 2i करके जैसा क्वेश्चन में बताया गया है उसी तरह से आप इसे करेंगे। सो दिस इज फॉर योर प्रैक्टिस। क्वेश्चन नंबर 18 में है 0 टू 4 मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस वन डी एक्स। अब जैसा कि मॉडुलस के क्वेश्चंस में हमने बताया था कि मॉडुलस के क्वेश्चंस में हम ब्रेक करते हैं फंक्शन को और जो प्रॉपर्टी लगती है वो P2 लगती है। तो यहां पर आप देख सकते हैं एक्स माइनस वन इक्वल जीरो एक्स इक्वल वन पर इसको ब्रेक कर देंगे तो 0 टू 1 एक हो जाएगा और 1 टू 4 दूसरा इंटीग्रेशन आ जाएगा। 0 टू 1 के बीच में ये आपका x माइनस वन नेगेटिव रहेगा और 1 टू 4 के बीच में x माइनस वन पॉजिटिव रहेगा। तो इसमें जो प्रॉपर्टी इस्तेमाल करेंगे दैट इज योर P2 एंड इट इज ऑल्सो फॉर योर प्रैक्टिस। नाउ क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में सो दैट 0 टू ए एफ एक्स जी एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 2 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स इफ एफ एंड जी आर डिफाइंड एज एफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ ए माइनस एक्स एंड जी एक्स प्लस जी ए माइनस एक्स इज इक्वल टू 4। तो ये कहते हैं 0 टू ए I मान सकते हैं आप इसे 0 टू ए एफ एक्स जी एक्स एंड डी एक्स। इसमें P3 हम लगा दें तो 0 टू ए एफ ए माइनस एक्स जी ए माइनस एक्स एंड डी एक्स। क्या करेंगे एक्स ही पे आपने ए माइनस एक्स रख दिया है, P3 प्रॉपर्टी जो है इस्तेमाल की है। अब आपको दिया हुआ है एफ ए माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स और जी ए माइनस एक्स आपका एज इट इज डी एक्स, ये भी आपका आई है। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिया हमने, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लिया। एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी हैव 2i लेफ्ट हैंड साइड पे हो गया इज इक्वल टू 0 टू a एफ एक्स जी एक्स डी एक्स प्लस 0 टू a एफ एक्स जी ए माइनस एक्स डी एक्स। दोनों ही 0 टू a हैं तो हम इनको 0 टू a एफ एक्स कॉमन ले सकते हैं और यहां से आ जाएगा जी एक्स प्लस जी ए माइनस एक्स डी एक्स। उन्होंने जी एक्स प्लस जी ए माइनस एक्स की वैल्यू 4 दी हुई है तो ये आ गया
टू वाई इज इक्वल टू जीरो टू ए एफ एक्स इंटू फोर डी एक्स, और फोर बाहर आ जाएगा, जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स। टू को जब इधर लाएंगे तो आई इज इक्वल टू हो जाएगा टू जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स। यही प्रूव करना है, आई की वैल्यू हम रिपीट रख सकते हैं। तो देयर फोर जीरो टू ए एफ एक्स जी एक्स डी एक्स इज इक्वल टू टू जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स, यही आपको प्रूव करना था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में है I इज इक्वल टू माइनस पाई बाय टू टू पाई बाय टू एक्स क्यूब प्लस एक्स कॉस एक्स प्लस टेन रेज पावर फाइव एक्स प्लस वन डी एक्स। इसको हम अलग अलग कर सकते हैं, माइनस पाई बाय टू टू पाई बाय टू एक्स क्यूब डी एक्स अलग हो गया, माइनस पाई बाय टू टू पाई बाय टू एक्स कॉस एक्स डी एक्स ये अलग हो गया, प्लस माइनस पाई बाय टू टू पाई बाय टू टेन रेज पावर फाइव एक्स डी एक्स ये भी अलग हो गया, प्लस माइनस पाई बाय टू टू पाई बाय टू वन डी एक्स ये आपका अलग आ गया। अब यहां पर आप देखिए ये माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स टाइप का इंटीग्रेशन है, और माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स में आपको बताया गया था कि जो पी सिक्स प्रॉपर्टी है वो इसमें लग सकती है। अब यहां पर देखिए एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब है, एक्स ये पर माइनस एक्स रखेंगे तो एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब आ जाएगा, मीन्स माइनस एफ एक्स इक्वल आ जाएगा, तो ये हो गया आपका जीरो। प्लस ये भी इसी तरह से जी एक्स इज इक्वल टू एक्स कॉस एक्स है, एक्स ये पर माइनस एक्स रखेंगे तो जी माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एक्स कॉस एक्स हो जाएगा, तो माइनस जी एक्स इक्वल आ जाएगा। यहां पर भी प्रॉपर्टी नंबर जो पी सिक्स है उससे ये जीरो हो जाएगा। प्लस ये भी माइनस ए टू ए टेन की पावर फाइव एक्स डी एक्स है, और टेन की पावर फाइव एक्स में एक्स ये पर माइनस एक्स रखेंगे तो टेन की पावर फाइव माइनस एक्स आएगा, माइनस बाहर आ जाएगा, ये भी माइनस एच एक्स के इक्वल आ गया, अगर हम इसको एच एक्स माने तो ये भी जीरो हो जाएगा। प्लस वन का इंटीग्रेशन एक्स माइनस पाई बाय टू टू पाई बाय टू, यह हमने प्रॉपर्टी जो लगाई है वो आपकी पी सिक्स लगाई है पहले तीनों पार्ट्स में, इज इक्वल टू हो गया पाई बाय टू माइनस माइनस पाई बाय टू, और ये आ जाएगा पाई बाय टू प्लस पाई बाय टू इज इक्वल टू पाई। तो हम कह सकते हैं ये जो आंसर है आई देयर फोर इंटीग्रेशन माइनस पाई बाय टू टू पाई बाय टू एक्स क्यूब प्लस एक्स कॉस एक्स प्लस टेन रेज पावर फाइव एक्स प्लस वन होल डी एक्स इज इक्वल टू पाई, यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आप देखिए, तो ये जो इसका ऑप्शन है, योर ऑप्शन इज सी क्वेश्चन नंबर 21। आई इज इक्वल टू जीरो टू पाई बाय टू लॉग फोर प्लस थ्री साइन एक्स अपॉन फोर प्लस थ्री कॉस एक्स डी एक्स। पी थ्री प्रॉपर्टी लगाए हम इसमें, जीरो टू पाई बाय टू लॉग यह आ जाएगा फोर प्लस थ्री साइन पाई बाय टू माइनस एक्स होल अपॉन फोर प्लस थ्री कॉस पाई बाय टू माइनस एक्स डी एक्स। यह आ गया आपका जीरो टू पाई बाय टू
लॉग 4 प्लस 3 साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है तो कॉस एक्स हो गया अपॉन 4 प्लस 3 कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा साइन थीटा होता है इसलिए साइन एक्स हो गया डी एक्स। ये भी आई है, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लें, इसको इक्वेशन नंबर 2, और यहाँ हमने पी 3 जो प्रॉपर्टी है उसका इस्तेमाल किया है एडिंग 1 एंड 2। वी हैव आई एंड आई 2i इज इक्वल टू 0 to π/2, आपकी दोनों सेम है लिमिट, तो आ जाएगा लॉग 4 + 3 साइन एक्स अपॉन 4 + 3 कॉस एक्स प्लस लॉग 4 + 3 कॉस एक्स अपॉन 4 + 3 साइन एक्स और होल डी एक्स। इज इक्वल टू 0 to π/2 लॉग ए प्लस लॉग बी लॉग ए इंटू बी हो जाएगा तो 4 + 3 साइन एक्स अपॉन 4 + 3 कॉस एक्स इंटू 4 + 3 कॉस एक्स अपॉन 4 + 3 साइन एक्स होल डी एक्स। 4 + 3 साइन एक्स से 4 + 3 साइन एक्स कट गया, 4 + 3 कॉस एक्स से 4 + 3 कॉस एक्स कट गया, तो 0 to π/2 लॉग 1 डी एक्स, और आप जानते हैं लॉग 1 जीरो होता है, तो 0 to π/2 जीरो डी एक्स 2i। अब जीरो का जो इंटीग्रेशन है वो k होता है, ऊपर वाली लिमिट पाई बाई टू रखेंगे तब भी क्या आएगा, जीरो रखेंगे तब भी क्या आएगा, तो ये हो गया के 0 to π/2 एंड दिस इज योर के माइनस के इज इक्वल टू जीरो। देयरफोर योर ऑप्शन इज सी। सो इट इज ऑल योर एक्सरसाइज 7.11 एंड थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।